नथिंग है CMF का पहला फोन आ चुका है मेरे दोस्तों। CMF जिन्होंने नहीं पता, ये नथिंग है, छोटा ब्रांड है। इसमें पहले इन्होंने ईयरफोन्स, घड़ी और काफी सारी चीजें लॉन्च करी थी, बट मेरे को पर्सनली इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी। और हम सबको लगा था भाई नथिंग एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है भाई, अलग अलग चीजें छोटी छोटी लॉन्च करके। बट किसको पता था भाई एक स्मार्टफोन आ जाएगा भाई। CMF का मतलब है कलर मटेरियल फिनिश, मतलब रंग सामग्री समाप्त, वही करने वाले हैं इस फोन के साथ। इसका काफी बड़ा सा बॉक्स रखा है, नथिंग ने काफी टीज करता है स्क्रू ड्राइवर दिखा के कि इस बैक वैक खुलती है, और अलग अलग पार्ट्स में असेंबल करवाया था नथिंग ने। इससे पहले 40,000 के लाइट वाइटे जलने वाले अलग अलग फोन्स बना रखे हैं, बट ये वाला स्मार्टफोन 20,000 रुपए के नीचे, और इस प्राइस पॉइंट पे कुछ क्रिएटिव चीज आए तो अलग समझ आएगा। ओ भाई ये क्या पिटारा खोला भाई, ये क्या रस्सी दे रखी भाई। ओ भाई ये क्या क्या चीजें हैं भाई, पूरा पिटारा भाई। भाई वॉच भी दे रखी भाई, काफी सारी चीजें लॉन्च करी हैं। ये है CMF की वॉच, इसमें ऐसे डायल को घुमाऊं तो इसमें घड़ी का चेहरा अलग से निकल आता है। बिल्ड काफी इंटरेस्टिंग से, और दूसरे चेहरे ऐसे ऊपर से लगाते हैं, बिल्कुल मजाक नहीं भाई, एक अच्छी प्रीमियम लुक है। हमने ट्राई भी करा, एक ईयरफोन्स भी है इसमें, ऐसे डायल है जैसे घूम के अलग अलग आवाज करता है, ये वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो आप इससे, और ये ईयरफोन है भाई, बेस कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। ओ भाई ये भी दे रखा भाई, ये नथिंग वाले ना वीडियो देखते थे कि हम स्किपिंग करते रहते हैं भाई तारों से, तो उन्होंने स्किपिंग रोप भेज दी, वो इसको ना ऐसे टांगे कूल बनना होता है ये भाई। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें ना फोन में लगी। नथिंग ने एक लव लेटर भी भेजा भाई, काफी अलग सा बॉक्स है, पूरे पे ऐसे कैमरा बना रखा है, पर इसकी अलग अलग एक्सेसरीज दे रखी है भाई, अलग अलग कवर्स आप इस फोन पे लगा पाओगे। ये एक स्टैंड सा भी मिल रहा है, डब्बे में थोड़ी तार वार भी है, और यहाँ पे रेड कलर में वो दे रखा है। एक जो सिम इजेक्टर है वो भी काफी कूल सा दे रखा है। बट भाई फाइनली टाइम आ गया फोन को खोलने का भाई। भाई पूरी नथिंग वाली वाइब है इसके अंदर है, कलर मटेरियल फिनिश तीनों तगड़ा लग रहा है, मजाक कर रहा है दोस्तों। ये है CMF का फोन 1, बहुत ही ज्यादा अलग सा डिजाइन है, नीचे की तरफ एक अलग सा ऐसे डायल दे रखा है, चारों तरफ ऐसे स्क्रूज लगा रखे। थोड़े टाइम पहले होता था ना ये बैक कवर निकाल के से बैटरी अलग सी निकलती थी, भाई ये वापस ले आए बैक कवर निकलने वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा पुराना लगेगा, और इसकी डिजाइन काफी रिफ्रेशिंग अलग सी है। उस प्राइस पॉइंट पे कर पाना भी काफी बड़ी बात है। सारी स्पेक्स जितनी भी अंदर की चीजें सब हम टेस्ट करेंगे इस वाले फोन के बारे में, सब कुछ तो आप एंड तक देखो आपको अंदर का सच पता चलेगा। बैक साइड पूरी प्लास्टिक की है, बड़ी कैमरे वाला बंप ये मेटल का है, और यहाँ पे CMF by Nothing लिखा है, कुछ जन्म पत्री वाली चीजें भी लिखी है। हाथ में पकड़ने में ना काफी बल्की सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा ज्यादा मोटा है। जैसे अगर मैं आपको रेफरेंस के लिए बताऊं, ये iPhone 14 Pro Max है, ये काफी मोटा है, बट Nothing के कुछ कुछ पार्ट्स इससे भी ज्यादा मोटे हैं, जैसे डायल है ये काफी उठा सा है। एंड ये जो आप पकड़ते हो ना, तो कोई भी स्मार्टफोन आप पकड़ोगे तो आप ना यहाँ से नीचे से ही पकड़ोगे, तो ये उंगली ऐसे रखने के लिए ना थोड़ा अनकंफर्टेबल सा है, और मजे की बात ये कि ना खोल के निकल जाता है, बट इसके बाद ये किनारा थोड़ा तीखा सा हो जाता है, तो मतलब खुजली उजली कर सकते हो साइड से। इसका औजार अलग से डिब्बे में आता है, इसमें मैं दिखाता हूँ एक गलती जो आप मत करना, सबसे पहले सिम ट्रे निकाल देना, क्योंकि हमारी भी ना सिम ट्रे थोड़ी सी मुड़ गई, क्योंकि बिना सिम ट्रे निकाले हमने खींच लिया था, मैंने ना थोड़ा ज्यादा टाइट कर दिया था, बट इससे घुमाने में टाइम लग जाता है थोड़ा। ये CMF ने दिया अच्छा है, कूल है, बट मैं थोड़ा प्रोफेशनल चीजों पर भरोसा भाई। इसमें एक दिक्कत है कि जब इसे खोलोगे ना तो साइड साइड में थोड़ा बहुत तो लगता ही है, एंड क्योंकि जो बैक है पूरी प्लास्टिक की है, तो मेटल के स्क्रू से जब भी आप खोलोगे तो हल्के से स्क्रैचेस तो इस पे लग जाएंगे, एंड स्क्रू पे भी हल्का सा अगर स्क्रैच लगता है तो इसका पेंट थोड़ा सा उतर जाता है, अंदर आपको सिल्वर सिल्वर दिखेगा थोड़ा सा। इसको लिखा ही वैसे दबाओ तो खुल जाता है, बट ऐसे खुल नहीं आराम से, मे बी हमने सिम ट्रे नहीं निकाली थी पहले इसकी। अब मैं इसको तो ऐसे ही लगा के घूमूंगा भाई, भाई ये मेरे को तगड़ा लग रहा है, बिल्कुल मजाक नहीं, मैं तो इसको ऐसी कैरी करूंगा भाई, काफी डिफरेंट सी लुक है ये मेरा भाई, थोड़ा जेंजी लुक। ये स्क्रूज इसलिए हैं ताकि आप इस फोन का बैक स्क्रू खोल के चेंज कर पाओ, ये बेसिकली Nothing ने अपने फोन के साथ कवर इनबिल्ट दे दिया है। रियलिटी में फोन ना पता ऐसा नहीं दिखता अंदर से, काफी सारी चिप्स होती हैं, अलग अलग प्रोसेसर बैटरी वैटरी खुल के अलग से दिखती है, बट अब आपके पास ऑप्शन है, इसमें आप अलग अलग कलर्स में बैक पैनल लगा सकते हो, एक बहुत पेस्टल ग्रीन है, एक ये ब्लू है, एक ये अपना ऑरेंजिश रेडिश कलर है, मैं इसको रेड बुलाता हूँ, ज्यादातर लोग इसको ऑरेंज बोलते हैं। ये जो ऑरेंज और ब्लू है इसके अंदर एक वीगन लेदर वाला कलर है, और मेरे को पर्सनली यही बैक अच्छी लगी, ये प्लास्टिक वाली क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं लगी, जो स्टैंडर्ड भी आता है वो भी मुझे पर्सनली इतना मजेदार नहीं लगा। आपको हर केस के साथ स्क्रूज मिलते हैं, ये नीचे जो गोल घुमाने वाला है ये मिलता है, और एक सिम ट्रे मिलती है। इसमें अगर आप 2-3 कवर खरीदते हो तो आप इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, ब्लू के ऊपर अगर आप ये ऑरेंज डायल लगाते हो एक अलग सा एक्सेंट आ जाता है, या फिर ब्लैक फोन के ऊपर अगर आप ये ऑरेंज डायल और
ऑरेंज सिम ट्रे लगा देते हो तो एक अलग सा लुक आ जाता है, या फिर ग्रीन के ऊपर आप अगर एक ब्लू डायल लगा देते हो और ब्लू सिम ट्रे लगा देते हो तो एक डिफरेंट सा एक एक्सेंट सा आ जाता है। अगर कोई भी डिजाइनर है या फिर जिसको ऐसा DIY फोन को करने में या थोड़ा कस्टमाइज करने में मजा आता है, उसको डेफिनेटली भाई काफी ज्यादा मजा आएगा इन सारी एक्सेसरीज के साथ। और छोटी छोटी और भी एक्सेसरीज है, जैसे ये एक स्टैंड है तो इसको आप ऐसे फोन ऐसे टिका के रख सकते हो, या फिर इसको आप कैसे टिकाना है, अब इसको ऐसे टिकाना है या फिर ऐसे उल्टा घुमा के ऐसे टिकाना है ये नहीं पता, बट टिक जाता है आड़ा टेढ़ा करके। सीधा अगर आपको खड़ा करना है तो ऐसे सीधा नहीं खड़ा होता, गिर जाता है, लुढ़क जाता है, बट ऐसे टेढ़ा करके सीधा करना है तो सीधा खड़ा हो जाता है। भाई ये एक और कुछ निकला हो भाई, स्क्रू पेच होगा भाई काफी सारे, वो ये अलग लग रहा। ऑनलाइन होता है ना कभी कभार फर्नीचर खरीदते हो आपको खुद असेंबल करना पड़ता है, उसमें थोड़े ज्यादा मजा आता है, ये सेम है, स्क्रू रू खोलने का मजा है ना अलग सा यार, मेरे को कूल लगा। इसके साथ एक कार्ड कवर भी आप अटैच कर सकते हो, नीचे स्टैंड भी साथ में अटैच कर सकते हो, पूरा मिक्स मैच करके भाई काफी खुराफाती सा फोन बन जाता है भाई, और अभी तो घुसे भी नहीं अंदर फोन के। मेरे को बस ऐसा लग रहा है कि मैं इसको तोड़ ना दूं, कोई लड़के होंगे जो खोलने में तोड़ देंगे, फिर बोलेंगे कि भाई ये तो आपने बोला था खोलो यार, वो भाई तोड़ दिया यार, थोड़ा सा गलत तरीके से खोल दिया इसलिए चटक गया साइड से, बट कोई नहीं, हम ये लगा देंगे ब्लू, इसके ऊपर ये ऑरेंज। अब जैसे एक चीज है, जैसे मेरे से टूट गया तो आप 1000 रुपए में एक दूसरा और खरीद सकते हो, तो अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, वैसे काफी फ्लिमजी, हाथ से अगर हल्का सा भी आप बेंड करो टूट जाएगा। यानी मेरे हिसाब से पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको केस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने का केस आएगा उतने का इसका कवर आ जाएगा। तो एक ब्लू बैग के ऊपर हमने एक ऑरेंज ये वाला लगा रखा है भाई चिपकाने वाला, एंड ऑफ कोर्स एक फोन केस भी, बट इन सबके साथ मेरे को पर्सनली ये लुक इंटरेस्टिंग लगी कि भाई ब्लू बैग के साथ अपना भाई नीचे ऑरेंज डायल। बट मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, हाथ में पकड़ने में एक कंफर्टेबल डिवाइस नहीं है, बट ऐसी चीज डेफिनेटली है जिसको आप शो ऑफ कर पाओ, आप दिखा पाओ भाई ये देखो खोल के ऐसे हो जाता है, इससे ऐसे होता है, पर ठीक है भाई बैग में अलग अलग चीजें हो जाती है, एक्चुअल फोन कैसा है उसको भी तो टेस्ट करना पड़ेगा। जो पूरी बैग है वो साइड से ही स्टार्ट हो जाती है, ये ब्लू वाले केस के अंदर पावर बटन सिल्वर कलर का है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम बटन भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट बटन की क्वालिटी काफी अच्छी है। नीचे भी सिम ट्रे लगती है, यूएसबी टाइप सी का पोर्ट है, स्पीकर्स हैं, और बैक साइड में 2 कैमरे का सेटअप है। ये डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, हल्का सा एक ब्लैक बॉर्डर सा दिखता है, अनबेजल्स हैं चारों ओर थोड़ी बराबर सी है, बट डिस्प्ले इसके अंदर 6.67 इंचेस का 120Hz AMOLED पैनल है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी फास्ट है, काफी फ्लूइड है। अगर आप वीडियो में देख सकते हो इसमें भी भाई कॉन्ट्रास्ट अलग सा आ रहा है, टमाटर थोड़े से ज्यादा लाल दिख रहे हैं, हरियाली भी बढ़िया सी दिख रही है, एंड बेजल्स जो हैं बॉर्डर वाले वो अगर आप कोई डार्क वीडियो प्ले करते हो तो बेजल्स नहीं दिखते ज्यादा। 700 nits इसकी HBM है, मतलब जो आप नॉर्मली यूज करोगे उसमें 700 nits तक ब्राइटनेस जाएगी, बट अगर आप बाहर ले जाते हो कुछ कुछ एरियाज 2000 nits तक पहुंच जाते हैं, वो पीक ब्राइटनेस बोलते हैं उसको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, मैं सोचा भाई बता देता हूं। स्पीकर भी चेक करना इंपॉर्टेंट होता भाई, भाई काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा ये। स्पीकर ओके है, सिंगल स्पीकर है, इस प्राइस पॉइंट में 2 वैसे आ जाते हैं, बट डिसेंट है ओके, आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पंच होल डिस्प्ले है, और एक चीज मैं नोटिस करी, जो पंच होल है ना ऊपर की तरफ ये काफी ज्यादा छोटा है और काफी ज्यादा शार्प कट्स ऐसे मार रखे हैं, तो पॉलिश्ड फील ये देता है। एंड नथिंग, खास बात यह है कि इनका OS काफी हद तक मिनिमल सा रहता है, एंड काफी सारे छोटे बड़े फीचर्स ऐड कर रखे थे, जैसे लॉक स्क्रीन के जो विजेट्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो, एंड वो छोटे छोटे टचेस जैसे जहां पे आप टच करके खोलोगे वहीं से इसका एनिमेशन शुरू होता है। अगर जैसे पावर बटन दबा रहा हूं तो पावर बटन से इसका एनिमेशन शुरू होता है रिवील वाला। इसमें एक AI वॉलपेपर वाला भी फीचर है, ये मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा। जैसे अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक वॉलपेपर, ये स्काई प्लस पेंटिंग मैंने कर दिया, तो एब्स्ट्रैक्ट से वॉलपेपर से क्रिएट करता है, बट ये वॉलपेपर्स अच्छे होते हैं। जैसे ये वाला वॉलपेपर AI से मैंने काफी अच्छे सरल से वॉलपेपर्स बनाया था, काफी सारे फोन्स मैंने ट्राई करे उनमें इतने अच्छे वॉलपेपर्स होते नहीं है। एंड बाकी भी जो चीजें हैं जैसे लेआउट है उसमें आपको थोड़ा सेटिंग्स का फॉन्ट अलग सा मिलेगा, ऊपर से ऐसे स्क्रॉल करो छोटे छोटे टचेस जैसे जो ब्राइटनेस बढ़ रही है उसका मीटर से डॉट डॉट्स में दे रखा है, अलग अलग चीजें आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे यहां पे वाईफाई है, यहां पे स्क्रॉल करके मोबाइल डेटा है। CMF काफी सारी चीजें प्रॉमिस भी कर रहा है, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट, 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट, एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड है, फोन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर नहीं है, कोई हॉट एप्स नहीं है, कोई गेट एप्स अलग से कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है, गूगल की थोड़ी बहुत एप्स इंस्टॉल्ड है, बट नथिंग के वेस के साथ आपको थोड़े से विडजेट्स मिल जाते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर छिड़काव होती है, जो होम स्क्रीन है वो काफी क्विक और फास्ट वर्क करती है। और एक चीज और, इसके अंदर नथिंग का जो अपना OS होता है, जो मेन नथिंग फोन में मिलता है, वो सेम ही अपडेट, सेम ही विडजेट, सारी चीजें सेम ही आपको इसके अंदर भी मिलेंगी। तो नाम CMF है बट है पूरा नथिंग ही भाई, सारी चीजें सपोर्ट करता है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, 9 बैंड वाला 5G भी है, 5.1L1 है, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, जहां पे भी आप चाहो फुल सेटिंग में आप देख सकते हो। ये केस वेस निकल जाता है बट इसके साथ भी IP52 रेटिंग इसके अंदर ऐड करके तो पानी आप हल्का फुल्का तो डाल ही सकते हो। इसके अंदर एक अलग से वेपर चेंबर भी डाल रखा है, इसीलिए केस की बैक साइड देखोगे आपको एक अलग सी शीट मिले, ये हीट
इधर उधर पहुंचाने में हेल्प करती है। देखो भारी भरकम तो बनाया बट उसके साथ साथ इसके अंदर एक 5000 mAh की बैटरी है, 33 watt का ही चार्जर है, वो फोन के साथ मिलता भी नहीं, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। बड़े कॉम्बो सॉलिड है, आपकी बैटरी आराम से 1.5 दिन चल जाएगी। बट भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस, इसके बिना कुछ हो नहीं पाता भाई। प्रोसेसर से सारी चीजें तेज जाती है, जैसे आप फोटो ले रहे हो तो क्विकली आपको पोर्ट्रेट मोड के रिजल्ट दिख जाएंगे, HDR मोड का सब कुछ तेज चल जाएगा, या फिर कोई आप ऐप खोल रहे हो वो सही रहेगा, फोन चला रहे हो तो हैंग नहीं करेगा। और ऑफकोर्स भाई आपकी गेम, बिना गेम के क्या होता भाई। इसके अंदर MediaTek का 7300 है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। Nothing का जो फोन 2 आया था उसके अंदर 7200, ऐसा लगता सुनने में ज्यादा बढ़िया, ऐसा नहीं है, उससे कम है परफॉर्मेंस में, बट 20000 के नीचे अच्छी परफॉर्मेंस देता है। नॉर्मल अगर आप ऐसे ऐप ड्रॉ ऊपर नीचे कर रहे हो या फिर अलग अलग चीजें खोल रहे हो तो आपको कहीं पे भी लैग, डिले, फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलेगा। ये इसलिए भी क्योंकि CMF ने पूरा खाली खाली रखा है अंदर। इस प्राइस पॉइंट में एक दो प्रोसेसर आते हैं, MediaTek का 7050 आता है, 6th Gen 1 आता है Snapdragon का, बट इस प्राइस पॉइंट में मैं बोलूंगा सब सिमिलर ही परफॉर्मेंस देते हैं, एकदम ही ब्रांड न्यू प्रोसेसर। बट भाई अब आ जाते हैं भाई, गेम का असली टाइम आ चुका है, हम चलाएंगे BGMI। गेम मोड ऐड कर दिया भाई Nothing ने, ये लो परफॉर्मेंस। ओ भाई ये तगड़ा लगा, ऐसे क्लिक करो लाल होता ना, आ मजा आया था। ये मिस टच प्रिवेंशन, छोटी छोटी चीजें, बट एक चीज अजीब है भाई, गेम मोड में अगर चीजें चेंज करनी है कुछ ज्यादा कर नहीं सकते आप इसमें, बस परफॉर्मेंस मोड ऑन कर सकते हो, ब्राइटनेस वाइटनेस लॉक कर सकते हो। इस पे अभी 2 सेटिंग अवेलेबल है, आप इस पे चला सकते हो स्मूथ पे, एक्सट्रीम पे और HDR पे अल्ट्रा पे, दोनों ही अच्छी सेटिंग है इस वाले प्राइस के लिए। अब चला के देखते हैं भाई अब आएगा असली मजा। वो बच गया, वो साइड से मार रहा है यार, ये धोखेबाज निकलते हैं ना ये बंदे, साइड से क्यों मार रहा है भाई, सामने से मारने का दम नहीं है क्या? गेम से चल रहे भाई, ग्राफिक्स वाफिक्स सही है। HDR पे अभी अल्ट्रा पे हम चला रहे हैं, वो पीछे से कौन मार रहा है? रुको इसकी सेटिंग हम चेंज करते हैं, अब हम कर देंगे स्मूथ पे एक्सट्रीम, अब देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। भाई इस पे और मस्त होगी, हल्का सा मैं बोलूंगा, देखो एकदम ही स्मूथ गेम प्ले नहीं है, मतलब मैं हल्का सा, मैंने गेम खेली तो टच रिस्पॉन्स से मेरे को थोड़ा सा डिलेड फील हुआ, एंड हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। मे भी हो सकता है भाई नया प्रोसेसर है, मेरे को दिक्कत परफॉर्मेंस की नहीं लग रही, मेरे को दिक्कत ये लग रही है कि ये नया प्रोसेसर है, थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन होगी इसमें। बट हाँ हल्का सा परफॉर्मेंस में ऑप्टिमाइजेशन की कमी मुझे फील हुई, स्पेशली अगर आप गेम खेल रहे हो, नॉर्मल एवरीडे यूज करो तो कहीं पे भी चैलेंज नहीं है। अब आ चुके हैं भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज टेस्ट करने, वो है इसका कैमरा। 50 MP प्राइमरी है, साथ में एक पोर्ट्रेट वाला दे रखा है और डेप्थ वाला, ये भाई इमोशनल सपोर्ट के लिए। बट फ्रंट में जो कैमरा उसका छोटा सा कटआउट बना रखा है, कूल सा लग रहा है, इसी से सबसे पहले सेल्फी खींचते। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट तो वही होता है कि जैसे बादल है अभी पूरा वाइट वाइट है, ये इसको कैसा कर रहा है, हमने कर दिया HDR मोड ऑन, बादल तो लगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लग रहा है मतलब यहाँ पे मेरा ऐसा कोई टेक्सचर है नहीं भाई स्किन पे, ये इसने अलग से ऐड करा है टेक्सचर, ऐसा लग रहा है कि मुल्तानी मिट्टी एक्स्ट्रा लगा ली है थोड़ा सा, जैसे मेरे लिप्स की लाली है वो गायब हो गई है, मस्टर्ड सा रेतीला सा कलर लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई दुबई में 10 साल रह गया हूँ मैं। इसमें भी देख सकते हो, देखो आप मेरी नॉर्मल शक्ल देखो, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, और देखो इसमें मैं कुछ ज्यादा खुरदुरा सा दिख रहा हूँ यार, ये दिमाग पे भी खुरदुरापन है, यहाँ पे साइड में भी थोड़ा खुरदुरापन है, दाढ़ी भी थोड़ी अलग सी है, ऐसा लग रहा है कि ये ना कोशिश कर रहा है नेचुरल फोटो लेने की, बट कॉन्ट्रास्ट इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है कि वो नेचुरल लग नहीं पा रही। सेल्फी में ना मेरे को स्किन टोन के कलर अच्छे नहीं लगे, मैं बैक साइड से भी खींचता हूँ फोटो, ये हमने पूरा खुला आसमान खींचेंगे, फिर 2x में खींचेंगे, देखते हैं नीचे और भी जा रहा है, एकदम बचा लेते हैं, ये सही लग रहा है भाई, बादल दूर खींच लेते हैं। बैक साइड वाली फोटोज में कलर सॉर्टेड है भाई, ये ग्रीन भी नेचुरल लग रहा है, जो येलोज हैं, जो बादल हैं, वो भी सही लग रहे हैं, डिटेल भी डिसेंट है, बैक साइड वाला सेंसर सही लग रहा है भाई, जो हमने थोड़ी जूम वूम करके खींची वो भी ठीक लग रही है, ऐसा चैलेंज नहीं है, बस डिटेल थोड़ी कम हो जा रही है क्योंकि उसी को क्रॉप कर दे रहा हूं, कोई अलग से टेलीफोटो लेंस तो है नहीं। हम भाई खींचते हैं सार्थक वाली से, इसमें बाकी सब कुछ चाहिए, डिटेल भी ओके है, बट इसमें भी ना स्किन टोन थोड़े से ऑफ है, जैसे ये वाली फोटो पे ना, इसमें भी आप देखोगे थोड़ा ज्यादा चेहरे में काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, और ऊपर स्काई बिल्कुल ही थोड़ा अजीब सा वाइट हो गया, इस वाली में डिसेंट मेंटेन कर रहा है, कभी बार थोड़ा ज्यादा वाइट करता है, बट मेजरली जो फोटो है वो अच्छी है। अब लैंडस्केप की सीनरी की फोटो अगर खींच रहे हो, थोड़ी लाली हरियाली दिख जाएगी आपको, HDR अच्छा बैलेंस कर लेता है, ऊपर आपको आसमान भी दिख जाएगा, नीचे पेड़ पौधे भी दिख जाएंगे, एंड पोर्ट्रेट मोड में भी ब्लर ब्लर चेक करते हैं, पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे थोड़ा सा इसका एज मिस हो गया है, पर इसमें HDR थोड़ा सा मुझे बेटर लगा, एंड थोड़े से स्किन टोन पोर्ट्रेट मोड में बेटर है। एक वीडियो बना दे भाई आप लोगों के लिए पूरा से, ये हमारे पेड़ पौधे हैं, हरे हरे दिख रहे हैं, ये मेरा हाथ है, इसमें भी थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का है, बट फोटो से थोड़ा नेचुरल लग रहा है, ये सार्थक भाई हैं, हाय
4K 30fps वीडियो बैक साइड वाले कैमरे से, 1080p 30fps फ्रंट वाले कैमरे से। फ्रंट वाले से बताऊं थोड़ी नॉइजी वीडियो है, स्किन टोन्स डेफिनेटली थोड़े अलग है, थोड़ा मुल्तानी। एक चीज और अगर नोटिस करो, कोई अलग से ना ऐसा नाइट मोड या फिर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मोड वोड्स नहीं देखते, इसी में ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाता है। देखो यहीं पे चंदा मामा आ जाते हैं। देखो मैं अभी आपको नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है, जैसे मैं फोटो खींचूंगा ये देखो नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। ओ ये मारा कॉन्ट्रास्ट, ये कलर वलर ये नहीं होता, देसी एडिट होता है ना अपना, और वो होता है ना एक स्लाइडर होता है ना डिटेल वाला, जिसको जो ऊपर करो जाए हल्का ज्यादा अलग सी लगने लगते हैं, वो फुल कर दिया सारी डिटेल आ दी बस ऐसा ही आ जाए। ये हमने काफी सारी फोटोज खींची इससे प्राइमरी वाले सेंसर से, जिसमें आप हरियाली देख सकते हो, नीचे बिल्डिंग्स में डिटेल्स देख सकते हो। फिर पोर्ट्रेट मोड वाली कुछ फोटोज खींची, इसमें एज डिटेक्शन में हल्का सा ऑफ रहता है, कभी कभार मिस कर देता है। मेरे को एक चीज फील हुई कि जो कैमरे के पूरे एक्सपीरियंस में मेरे को थोड़े मोड कम लगे। बहुत सारे फोन में बहुत सारे मोड आते हैं, एस्ट्रो मोड, ये मोड, लाइट रील्स मोड, इसमें बहुत ही कम रखने की कोशिश करी है। थोड़ा एक्स्ट्रा होने से मेरे ख्याल नुकसान नहीं है, काफी सारे लोग यूज कर ही लेते हैं अलग अलग सिचुएशन में। देखो मैं एकदम अगर सीधा सीधा होता हूँ तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट है कैमरा, बट नथिंग ने भाई कैमरे में काम करा है ऐसा फील होता है, क्योंकि फोन 2A से थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब उससे बेटर तो नहीं है बट इससे बेटर डिटेल फोटोज, बेटर कैमरास आपको इस प्राइस पॉइंट में मिल जाते हैं। इसके अंदर तीन वेरिएंट आ रहे हैं, एक 6GB 128GB वाला वेरिएंट है, दो 8GB वाले वेरिएंट है, एक 8 128 और एक 8 256। इसका एक्चुअल प्राइस 18,000 रुपए, बट ये ऑफर सारी चीजें लगा के आपको 16,000 रुपए का पड़ जाएगा। अगर मैं खाली स्पेसिफिकेशन देखूं या फिर खाली कैमरा देखूं या फिर ऐसे अलग से बस ऑन पेपर में चीजें देखूं तो एक डिसेंट फोन है, ऐसा कुछ बहुत तगड़ा नहीं है। बट क्योंकि ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन है, आप बैक पैनल चेंज कर सकते हो, जो डिजाइन है, जो अलग अलग एलिमेंट्स लगा रखे हैं, उसकी वजह से काफी ज्यादा एक्साइटिंग बन जाता है स्मार्टफोन। एंड अगर आपको कॉलेज लेके जाना है, शो ऑफ करना है, ऑफिस में दिखाना है लोगों को, स्क्रू व्रू खोल के एक जेब में स्क्रू डाल के रखो, तो उन सारी चीजों के लिए काफी एक्साइटिंग पैकेज बन जाता है। बट हाँ भाई, CMF ने डेफिनेटली तगड़ा काम करा है, काफी एक अच्छा फिनिश प्रोडक्ट लग रहा है। जो इनके पुराने ईयरफोन्स और सारी चीजें थी उससे डेफिनेटली काफी बड़ा जंप है। और हाँ भाई, मेरे हिसाब से अगर आप भी लेने जा रहे हो, थोड़ा आपको शो ऑफ मारना, थोड़ा अलग अलग चीजें दिखानी है लोगों को, तो डेफिनेटली एक तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। और हाँ भाई, आई होप हमारी वीडियो भी तगड़ी थी, आपको मजा आया देखने में। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।